क्या रे, घर वालों ने हकाल दिया क्या? माँ बाप है या लावारिस है? तेरे लायक एक काम है, करेगा? अगर जामेगा तो करूंगा। पॉलिश पॉलिश शू पॉलिश 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 शू पॉलिश 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 शू पॉलिश। बच्चा पकड़ने वाली गाड़ी आई, भागो! नाम बोल। संजय। तेरा? मिल्लू। तेरा नाम क्या है? अबे बोल। मुन्ना। राका यानी मौत का दूसरा नाम। क्या सोच रहा था पत्रकार, खबरें छापकर इनकलाब लाएगा? इनकलाब लाने वाले खाते हैं गोली। तू बहुत गलत कर रहा है माया। जिस राका का तू नमक खा रहा है उसी के साथ नमक हरामी करने की गुस्ताखी। नामुराद, राका तेरी सांसें छीन लेगा। माया मौत का दूसरा नाम है। मेरी सांसें छीनने वाला इस शहर में कोई पैदा नहीं हुआ, और गलती से पैदा हुआ तो फिर जिंदा नहीं बचा। दोबारा मेरी नांद में मत लगना। एक ऐसा शख्स, पुलिस भी जिससे डरती है, कानून को जो अपनी जेब में रखता है, मंत्री हो या संतरी, सब उसके आगे घुटने टेक देते हैं। वो कौन शख्स है जिसने आपकी नींद उड़ा रखी है, खुल के बताएंगे? होम मिनिस्टर साहब, उसका नाम सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सुनना चाहेंगे उसका नाम? राका। नरसिंह राव जी, हम भी सियासत में हैं, लेकिन अपने ही हाथों अपनी कब्र नहीं खोदते, और ऐसे मामलों में तो बिल्कुल भी नहीं। राका कालिया नाग है, कालिया नाग, उस पर हाथ डालने से पहले हमें जवाब देना होगा। तो मैं किस किस को जवाब देना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अपनी जनता को जवाब देना ही होगा। आपके लिए मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया है। एक आपका ही आसरा था, हमें तो लगा था कि आप उस जहरीली फैक्ट्री को बंद करवा देंगे। उसकी वजह से हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब तो मर जाने का दिल करता है। मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, इंसानियत से मुंह नहीं मोड़ा। अब यह लड़ाई ही मेरी जिंदगी का मकसद है। एक न एक दिन हम सब मिलकर उस फैक्ट्री को उखाड़ फेंकेंगे।
जनाब, जनाब एक सवाल जनाब। जी पूछिए। सर, पार्टी के इतने बड़े नेता होकर इतने सालों तक खिदमत करने के बाद आपने इस्तीफा क्यों दे दिया सर? अच्छा आप ही बताइए, नेता की जवाबदारी किसके लिए सबसे ज्यादा है, अपनी खुद की पार्टी के लिए या फिर आम जनता के लिए जिसने उसे वोट देकर जिताया है, उसे इस मुकाम पर पहुंचाया? आपके इस्तीफा देने से क्या होगा सर? एक केमिकल फैक्ट्री की वजह से अब तक हजारों लोग मारे गए हैं, कितने लोग अपाहिज हो गए हैं, कितने बच्चे यतीम हो गए हैं, और इन सब का जिम्मेदार एक ही आदमी है। उस शख्स का यहाँ की सियासत में इतना दखल है कि मैं चाह कर भी उस वैशी दरिंदे के खिलाफ कुछ नहीं कर पाया और मजबूरन आज मुझे मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वो आदमी कौन है जनाब? उसका नाम सुनकर हो सकता है तुम ये खबर ही ना दिखाओ। राका। टॉर्च जला के ढूंढोगे तब भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी आपको। उसके कदम पड़ते ही घर हीरे जवाहरात से भर जाएगा। कन्या को बुलवाइए ना। नमस्ते, नमस्ते। पूरा रख दीजिए। कन्या बहुत ही सुशील है, घर में खुशी भरा माहौल बना के रखती है। और नाराज हो जाए तो चबा जाती है। दो दिन पहले भी एक लड़का आया था दीदी को देखने, अभी तक कोमा में है। बात ये है, एक बांगड़ू टाइप लड़का आया था। अब लड़की को देखने की बजाय आधा किलो जलेबी ठूस कर वहीं पर लमलेट हो गया। जब मुंह पर मक्खियां भी मिनाने लगी तो जूस में फिनाइल मिला के लड़की ने लड़के को पिला दिया। आसमान से उतरी अप्सरा, साक्षात अप्सरा जैसी है वो। आजा आजा। जल्दी कर, ये ले, इस पे चढ़ के कूद जा। नैना। हाँ मामा, आ रही हूँ। कम 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 कम। चल चल चल, जल्दी कर जल्दी। बाय। अरे यार वॉचमैन अंकल ने तेरी इतनी मदद की, कम से कम बाय तो कह दे। अरे बुद्धू, वो वॉचमैन नहीं, मेरे डैडी है। नैना बस आने ही वाली है। मम्मा। हाँ दीदी, आज फिर से कूद के भाग गई। किसने उसे भगाया? और कौन भगाएगा? तुम्हारे शौहर ने। जिंदगी में पहली बार ऐसा बाप देखा है जो अपनी बेटी को खुद घर से भगाने में मदद करता है। डैडी चाहती हैं कि मैं लव मैरिज करूं और मम्मी वो चाहती हैं मैं उनकी पसंद से शादी करूं, और कमाल ये है कि इन दोनों के झगड़े में मेरी तो चांदी। एक बात बता, तुझे शादी क्यों नहीं करनी? शादी तो मैं कर लूंगी, पर कोई ढंग का लड़का तो मिले। तो कैसा लड़का चाहिए? भावना, एकदम नाम की तरह ही खूबसूरत हो। तुम्हारे चक्कर में कोई मार खा जाता है पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। रुक क्यों गए अंकल, गाड़ी भगाओ। क्यों रे, कॉलेज की लड़कियों को अपने बाप की जागीर समझ रखा है? आज तेरी सारी मजनूगरी निकालता हूं। आ,
चार लोग मिलके एक को मारे ना इंसाफी है, लेकिन अगर एक चारों को मारे कोई प्रॉब्लम नहीं। बबीता वो भावना, हाँ जो भी नाम है तुम्हारा, देखो लड़का लड़की एक दूसरे के पीछे भागे तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भागे तो बड़ी प्रॉब्लम है। कोई लड़का अगर मोहब्बत का इजहार करता है तो इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है, इसे अपनी तारीफ समझो। लड़का पसंद हो तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोल दो, लेकिन ना बोलने के बाद भी वो पीछा ना छोड़े तो उसका ये अंजाम होना चाहिए। क्या लोटनपुर के सस्ते भाड़े के टट्टू अकेले आशिक को पीट कर सूरमा बनना चाहता था? बिल्लू इधर आ। इसका नाम बिल्लू है, बहुत अच्छा लड़का है, बी कॉम कर रहा है। मेरी बात मान, तू इत्मीनान से सोच ले, उसके बाद हाँ बोल डाल। देखा जाए तो इतने सारे गुंडों को तुमने अकेले ही धूल चटा दी, तो इस कड़के से शादी करने से अच्छा है मैं तुमसे ही नहीं कर लूँ। हाय। माल लाया क्या? एक दो रुपया चिल्लर भी नहीं मिला? कुछ नहीं, बोला था ना चक्कू धार करके ले जाना, नहीं किया क्या? अरे किया था ना, पर कितना भी कर लो प्लास्टिक प्लास्टिक है भाई। मतलब आज भी चाय पानी का जुगाड़ नहीं होगा? देखिए बहुत बड़ी नाइंसाफी है, जा जाकर देख कैंटीन में कोई झूठी चाय छोड़ा होगा तो लेकर आ। बची थी कुत्ते को दे दिया। अरे कभी तो हाँ बोल यार। अरे कम से कम मेरी नहीं तो इस चम्मच की इज्जत तो रख ले, खुद को मेरा चमचा बोलता है। 20 रुपया खर्चा करके सोचा भाई की रुपया मैं करियर बनाऊंगा, पर हाय रे बूटी किस्मत। भाई प्लास्टिक से कोई वसूली नहीं होती, एक काम करो ना भाई आप खुद चले जाओ। गया था लेने। चल पैसा निकाल। कितना? जेब में जितना भी है सब खाली कर दे। अबे झिंगुर तेरी औकात तो चवनी की भी नहीं है। मैं क्या बोल रहा था, कुछ मांडवली कर ले। क्या बोला? सुबह से कुछ खाया नहीं। तब से जहाँ बेइज्जती की बात होती है मैं अपने चमचों को भेजता हूँ। ये क्या जनाब, थोड़ा देखकर भी चला सकते हो ना? ओ तेरी राका का बेटा, इसे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना था। अगर चाहूं तो इस जरूरत के लिए तेरी कब्र खोद सकता हूं, आइंदा से मेरे रास्ते में मत आना भाई। आप उनको यहाँ पर सब लोग चमन भाई बुलाते हैं। अच्छा, मैं आपका चमचा बन के भाईगिरी की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, इंस्टॉलमेंट में आपकी फीस दे दूंगा। हाय नैना, तू कब आई? मैं बस अभी अभी आई, चल ना कैंटीन चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ओके। हेलो। हाय नैना। बाय। बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं, फिर मुझसे फ्रेंडशिप में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, बचपन से तो मैं कई लोगों को जानती हूँ, तो क्या सबसे दोस्ती कर लूँ? दोस्ती जबरदस्ती नहीं, दिल से होती है। Just leave me alone। फिक्र नॉट भाई, अगर अंगूर नहीं मिले तो हम लोग संतरा खा लेंगे। अगर आपको संतरा नहीं पसंद तो मैं आपके लिए एक डजन केला ले आऊंगा। वो लड़का कौन है और वो तेरे पीछे क्यों पड़ा है? कौन वो शेडी? अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, बचपन में हम साथ में ही पढ़ा करते थे, तभी से वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। I really hate him। स्कॉलरशिप पर आए हो, दिमाग को काबू में रखोगे तो अच्छा रहेगा। अरे कॉलेज में एक बार एडमिशन मिल गया ना तो कॉलेज अपने बाप का, अरे धमाल बचाएंगे धमाल। बात कर रहा है? गाना होगा बजाना होगा, एकदम ठिंग चाक लाइफ। ए चूजे, मुझे धक्का देता है।
क्या रे, ये घूर क्या रहा है मुझे है? तू कौन है झिंगुर? माफ करना दोस्त, गलती हो गई, देखा नहीं इसने। चल निकल। क्या रे, अभी तक गुस्सा उतरा नहीं? तुमने रोका क्यों? मैं उसके वहीं हाथ पांव तोड़ देता। अरे यार, हम लोग यहाँ स्कॉलरशिप पे आए हैं, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमें मिलेगा अंडा। अरे ये क्या है? एकदम नया जुगाड़ है, सेलफोन कैमरे को टीवी से कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, बिल्लू कहाँ है? प्यार का बुखार चढ़ा है। फिर से चढ़ गया? वो कॉलेज की नैना है ना, उसने चैन छीना है। ये नैना कौन है? आगे से सुपर है, पीछे से बम्पर है, एकदम जन्नत की हूर लगती है। हूर लंगूर को क्यों चुनेगी? मैं तेरी बात नहीं कर रहा। एक काम क्यों नहीं करता, 6 महीने तक उसके आगे पीछे गुलफाम बन के घूम, फिर उससे अपनी दिल की बात कर दे। मैंने कब का बोल दिया यार? मैंने प्यार का तीर चलाया तो था लेकिन निशाना चूक गया। क्या बोली, पीछे छोड़ दे? ठीक है, मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा? अरे मतलब उससे बात कर लूंगा। अच्छा, जैसे बस वाली को पटाया था वैसे ही? नहीं, इस बार जरा संभल के बात करूंगा। कमबख्त को बुरी तरह चढ़ गई है। धोखा नहीं देगा ना? ए, कोई गड़बड़ मत करना। मैं तो मजाक कर रहा था इससे, तू देख लेना, मेरा यार हम दोनों को प्यार की नैया में सवार करके हम दोनों का बेड़ा पार लगाएगा, है ना? मुन्ना, तेरी भाभी आ गई। और मैं वहां से भाग गई। कौन? वो रेड ड्रेस वाली। तू भी कुछ कम नहीं है। क्या नाम बताया था? नैना। क्या? नैना। ये बचपन से ही ऐसी है या बाद में तराशी गई? कंट्रोल, तू सीरियस है ना? नैना, यहाँ आओ। कौन? मैं? हाँ तुम, तुम्हें ही बुला रहा हूँ। क्या? नहीं आओगी? चलो मैं ही आ जाता हूँ। अरे क्या कर रहा है? सुना, अरे मरवाएगा क्या? क्या बात है? कल मेरे दोस्त ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था ना, तुमने हाँ क्यों नहीं बोला? मोहब्बत का इजहार? दीदी, I love you, दीदी, दीदी, मुझे प्यार कर लो, दीदी, दीदी, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, दीदी, मुझे प्यार कर लो, I love you, दीदी, मैं तुम्हारे सारे काम करूँगा, I love you, दीदी, मैं खाना बनाऊँगा, कपड़े धोऊँगा, झाड़ू पोछा करके सब करूँगा, बस एक बार मान जाओ दीदी, I love you, दीदी, बहुत प्यार करता हूँ दीदी। उसे मोहब्बत का इजहार नहीं, भीख मांगना कहते हैं। दिखने में भिखारी जैसा है पर तिल का एकदम राजा है। तुम बस एक बार हाँ बोल दो, प्यार अपने आप हो जाएगा। ठीक है, पूछ कर बताती हूँ। किससे पूछोगे? अपने पापा से? नहीं, बॉयफ्रेंड से। दिल छोटा मत कर बिल्लू, तेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसकी तरफ से है। सुनो नैना। क्या है? अगर मान लो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता तो मेरा यार तुम्हारे लिए फिट था ना? शक्ल इतनी बुरी भी नहीं है पर मेरे स्टैंडर्ड का नहीं। नो वे। यही मेरी तकदीर है, सड़क के कुत्ते की तरह धुतकार कर चली गई। दिल तो करता है खुदकुशी कर लूं, जब भी तेरी मदद मांगता हूँ मेरी लाइफ की पुंगी बन जाती है। मेरी बात तो चुप कर, आया बड़ा मेरी मदद करने वाला। ओ बिल्लू, कहाँ जा रहा है? तूने बॉयफ्रेंड पाल के रखा और मुझे बताया नहीं? बॉयफ्रेंड? हाँ। वो तो मैं झूठ बोल रही थी, उस लंगूर से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे कुछ तो बोलना था ना, कम से कम इस झूठ की वजह से उसे छुटकारा तो मिलेगा, वरना ऐसे थोक भाव के मजनू मेरे आगे पीछे डोलते रहेंगे। बॉयफ्रेंड ने तो क्या खरीद लिया क्या? सबको बारी बारी मौका मिलना चाहिए। वो बॉयफ्रेंड होगा उसके कॉलेज का, यहाँ का अकेला शेर मैं हूँ और वो मेरी लैला है। जैसे लैला मजनू की कहानी थी, जैसे हीर रांझा की दीवानी थी, बिल्कुल उसी तरह नैना होगी बिल्लू की। ए मुन्ना, भले वो 1000 बॉयफ्रेंड क्यों ना पाल ले, लेकिन पति तो मैं ही बनूंगा। तो समझ ले तू कुमारा ही मरेगा। हाय, आई एम संजय। हाय मुन्ना। कासिम चाचा। हाँ। 5 कटिंग चाय कड़क। हाँ, ला रहा हूँ, ला रहा हूँ। कासिम चाचा, हमारी कैंटीन की शान है, कॉलेज का कोई भी मसला हो कासिम चाचा के लिए उसे सुलझाना एकदम चुटकियों का खेल है, और चाचा के हाथ की चाय तो कमाल है। बच्चों के सामने मेरी तारीफों के पुल बांध रहा है तू? कैसे छछुंदर, मेरी गर्लफ्रेंड पे नजर डालता, तेरी आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा, और तू मेरी नजर हटी और दुर्घटना घटी। कौन है ये काका? राका का बेटा है, छटा हुआ गुंडा। चल करते रहे करते रहे।
कॉलेज में लड़कियों को छेड़ना, किसी के भी हाथ पैर तोड़ देना इसका रोज का काम है। पूरे कॉलेज को अपने बाप की जागीर समझता है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू राका के खिलाफ जाएगा? जिस राका ने तुझे ये इज्जत दी तू उसके खिलाफ जाएगा? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, राका से माफी मांग ले, राका तुझे माफ कर देगा। इंसान हो के इंसान को धोखा देना इंसान की पैदाइशी फितरत है। रंगा, तू जानता है हमारे धंधे में माफी की गुंजाइश नहीं। अब फैसला कर ले, तुझे तेरा भाई चाहिए या राका के साथ काम। एक बार राका का भरोसा जिस इंसान से टूट गया वो मौत की आगोश में सो जाता है। राका, श्रीनिवास जी के आने का वक्त हो गया। अतीत में जीने वाला भविष्य को नहीं देख पाता, ये अतीत था, भूल जाए इसे। आपका नाम लिया और आप हाजिर हो गए। कहीं तुम मुझे शैतान तो नहीं कह रहे हो? आइए अंदर आइए। घर तो बड़ा शानदार है तुम्हारा। मिलिए मेरी धर्मपत्नी से। नमस्ते। नमस्ते। जैसा नाम वैसा ही स्वरूप है। बड़े खुशकिस्मत हो तुम जो ऐसी सीधी सादी बीवी मिली है, तुम्हारे काम तो उल्टे सीधे। आइए चलिए नाश्ता करते हैं। ये शादी है मेरा बेटा। कब कुर्सी खींचनी है, कब कुर्सी लगानी है, अच्छा सिखाया है तुमने। श्रुति, मेहमान आए हैं, नमस्ते तो करो। तुम्हारी बेटी? चलो गनीमत है, ये तुम पर बिल्कुल नहीं गई है। मेरे हर काम के बीच में क्यों आ जाते हैं? यही तो मैं भी कहना चाहता हूं, तुम ऐसा काम ही क्यों करते हो कि मुझे बीच में आना पड़ता है? अगर मेरी फैक्ट्री बंद हो गई आपको क्या फायदा होने वाला है? कुछ काम फायदे और नुकसान से ऊपर होते हैं, कुछ ना करने से शायद नुकसान हो। क्या तुम्हें यह नहीं पता तुम्हारी फैक्ट्री की वजह से कितने बेगुनाहों की जान गई है? मुझे नहीं लगता कि तुम इतने नादान हो। तुम्हारी फैक्ट्री जब तक बंद नहीं करवाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। उससे पहले आपकी सांसें बंद हो गई तो? राका, अगर मौत से डर लगता तो मैं यहां अकेला इस तरह नहीं आता। मैं मौत से नहीं डरता, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई दुश्मन नहीं है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। और अगर कल को मुझे कुछ हो जाता है तो सारी उंगलियां तुम्हारी तरफ ही उठेंगी, ये बात अच्छी तरह समझ लो। और मेरी मौत के बाद अगर इलेक्शन में पार्टी हार गई तो जो नई पार्टी आएगी वो तो तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। क्या समझे? तुम नहीं बचोगे। चलता हूं। आज तो कमाल हो गया, किसी ने मुझे ऑफर किया, सोच के बताता हूं। यार आज का लेक्चर तो हद से ज्यादा बोरिंग था। क्या हो गया? मेरी आंखों के सामने से मेरी जिंदगी मुझसे दूर होते हुए नजर आ रही तो है। तो एक काम कर, जाके उसे अपनी बाहों में भर ले। जो जज्बात बोलने से नहीं जागते कभी कभी उन्हें छू कर जगाना पड़ता है। जाग ले, लग जा। और उसने चप्पल निकाल के मारा तो
मुन्ना वो यहीं आ रही है। यही मौका है, मार दे चौका। डर लग रहा है। अरे मैं हूँ ना, इसी बात का तो डर है। एकदम बॉडी बिल्डर का। एक काम ठीक से नहीं कर सकता। लड़की को बाहों में भरने के लिए कहा, वो भी नहीं हो तुझसे। Just shut up! ये क्या बेहुदा हरकत है? ना ही पूछो, तो ये अच्छा है। कुछ तो बात है, मैं जानना चाहती हूँ। जानना चाहती हो? तो सुनो, तुम्हें प्यार का एहसास दिलाने के लिए मैंने इस गधे को आइडिया दिया कि जाके तुम्हें अपनी बाहों में भर ले। बस सारा प्लान चौपट हो गया। सब इसकी वजह से हुआ। चला मौके पे पीछे हट गया और नाम मेरा खराब हो गया। आखिर क्या समझ रखा है मुझे? इसमें समझना क्या है, तुम्हारा तो पहले से ही आशिक है। आशिक? और क्या, तुमने तो कहा था तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। हाँ, जब पहले से ही मेरा बॉयफ्रेंड है तो फिर ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है? इतना समझाया इसे? समझाएगा नहीं? कहता है उसका बॉयफ्रेंड दूसरे कॉलेज में है, इस कॉलेज में मैं संभाल लूंगा। बोला था ना तुमने? किसने कहा दूसरे कॉलेज में? मेरा बॉयफ्रेंड इसी कॉलेज में है। इसी कॉलेज में कौन है वो? मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तुम्हें भला क्यों बताऊं? चल निधि। मैंने तुझे पहले ही कहा था झूठ मत बोलना, अब फंस गई। तुम आगे से सुपर और पीछे से सुपर डुपर हो। ओए मर जावा। व्हाट? ये सब मेरे अल्फाज नहीं है, इन भाई साहब के हैं। बंदर कहीं का। अबे तू मेरा भाई बनकर आया या फिर कसाई बनकर? जिस लड़की पर हाथ रख देता है वो मेरी लाइफ से फुर्र हो जाती है। तुझे एक पते की बात बताऊं, इस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तेरी लाइन क्लियर है? क्या मजाक कर रहा है, तेरी वजह से लाइन इतनी लंबी हो गई है, अब क्लियर कैसे होगी यार। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही? प्यार का बुखार चढ़ा होगा, जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। अम्मा, आपको या पापा को कभी कॉलेज में प्यार हुआ था? पढ़ाई से फुर्सत मिलती तब ना। मुझे तो हुआ था। जब पहली बार किसी से प्यार होता है तो कैसा महसूस होता है, मुझे जानना है। क्या हो गया है तुझे? मुझे तो खुद ही नहीं पता मुझे क्या हो गया है। भाई आपने जो कॉलेज में भाईगिरी का झंडा गाड़ा है ना, कितने भी तिस्मार खान आ जाए उसे कोई नहीं उखाड़ सकता। अच्छा तो मैं क्या बोल रहा था, भाभी आपको देखते ही गुस्से से इतनी लाल पीली क्यों हो जाती है? यह सिनाओ की अदा है, ऊपर से गुस्सा करती है अंदर से प्यार। ओ अच्छा प्यार, वो तो आपको घास भी नहीं डालती है। गधे का बच्चा, उल्लू का पट्टा, लंगूर कहीं का, न जाने कौन कौन सी गालियां दी हैं आपको। पर दूसरों के साथ तितली जैसी मटक के जाकर चिपक के बात करती है। शो ना जानू, हरदम यही रटती रहती है। देखना एक दिन उस मुन्ना के साथ पक पका पक पुर हो जाएगी। भाई मैंने लॉन्ग शॉट से उन दोनों को बहुत क्लोज होते हुए देखा है, जल्दी कुछ कीजिए वरना। आज तक मैं सोचता रहा कि तू शरीफ जादी है इसलिए मना करती रही, लेकिन तू कहीं और गुलछर्रे उड़ा रही है क्या? एक बात अपने दिमाग में बिठा ले, अगर तू शैडी की नहीं हो सकती ना तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। जो भी बीच में आया उसको काट डालूंगा मैं। अरे मार क्यों रहा है? क्या यार? अच्छा ठीक है, माले माले।
कितनी बार कहा कि चुप रहकर, लेकिन सुनता नहीं है। नो देखे चला गया। पक पक बोलता रहे। ए, ना ना, कोई तकलीफ है क्या? वो मेरी बाइक ना पंचर हो गई है और मुझे अर्जेंटली घर जाना है। कोई बात नहीं। ए, सुना क्या? नाना की बाइक पंचर हो गई है तो मुझे इसे ड्रॉप करना होगा। हाँ ठीक है। नाना आ जाओ ना। अरे संभालो। ये क्या? अरे संभालो। अरे क्या कर रहा है? ये कितनी भारी है? अरे उठाना। अरे गिर जाएगी। अरे क्या कर रहा है? इज्जत का फालूदा हो रहा है। थोड़ा डिसबैलेंस हो गया। पहले स्टैंड पर लगाना चाहिए था ना। चल हट। नाना मैं 120 की स्पीड पर गाड़ी चलाऊंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हाँ? जानता था, नो प्रॉब्लम। पुरानी बाइक है ना, स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। आटली फुटली। तबीयत ठीक नहीं लग रही। तू नैना को ड्रॉप कर दे, मैं तुझे बाद में मिलता हूँ। अरे देख क्या रहा है, जाना। अरे जा रहे। ओके। देखना सभी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगे जब भाई बाइक स्टार्ट करेगा और बाइक भाभी के दरवाजे पर, भाभी दुल्हन की तरफ बाहर आते हुए और तभी भाई हीरो स्टाइल में आगे जाते हुए भाभी को पिच्छू सीट पे बिठा देंगे और भाई ब्रेक दबाते हुए गाड़ी को यू टर्न मारेंगे। जरा सोचो क्या नजारा होगा। भाई आगे और भाभी उनके पीछे, सारी दुनिया जल उठेगी। दिलवाले दुल्हनिया। चले थे सपने साजन के देखने, ये खलनायक कहाँ से आ गया? अब तो भाई का जनाजा ही उठेगा। अरे खड़े हो जाओ, भाई को कंधा देने का टाइम आ गया। वो देखो ना। ये आदमी है कौन? उस दिन मैंने आपको बताया था ना, ये वही मुन्ना है जो आपको चुन्ना लगा रहा है। यार गाना कम चिल्लाना ज्यादा है। मैं क्या बोल रहा था, कॉलेज में जरा सा किसी को धक्का भी लग जाए तो वहाँ मारने को आते हैं और यहाँ देखो कैसे एक दूसरे के साथ चिपक के डांस कर रहे हैं। ए, हाँ? आइला शिकार मिल गए। जा भाई रायता फैला दो, मतलब उसका तबला बजा दो। मुन्ना द बारटेंडर। यस, क्या पियेंगे? द बेस्ट। ऐसा कुछ पिला के मजा आ जाए। हो छोड़ जाने चाहिए, ये ले तेरी टिप। चीयर्स। अरे ये क्या पिला दिया तूने? पहले आग लगाया और पानी डाल रहा है। This is best। इसे पीने के लिए थोड़ा सा गट्स चाहिए। क्या बोला? गट्स की कमी है? वो तो शक्ल से ही पता चलता है। अरे क्या भाई, आप बार बार गलत फैमिली में पड़ जाते हैं। अब महान हो, पहलवान हो, लाली दी जान। भाई मैं ना। वेलकम सर। हाय। हेलो। हाय। कैसी हो? कमाल की जगह है ना। हाय मेरे डैडी। हाय, मैं डॉक्टर चौधरी। शादी, आप यहाँ कैसे? वो नैना की वजह से जिद कर रही थी, पापा अगर आप पार्टी में नहीं आओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, इसीलिए मुझे आना पड़ा। आई जी शब्बत, मैंने भी मम्मी को बोला कि चलो पार्टी में, लेकिन नहीं आई। चलो चलते हैं। ये कबाब में हड्डी कहाँ से? एंजॉय बेबी। अबे अंधा है क्या? हेलो। हाँ डैडी, मैं अभी आता हूँ डैडी। भाई ये सब उस मुन्ना का असर है, उसके साथ रहकर इन चूजों के भी पर निकल आए। एक्सक्यूज मी, मुन्ना तुम यहाँ? ये कब से शुरू किया? क्यों नहीं कर सकता? मेरा मतलब वो नहीं था, सुबह कॉलेज शाम को यहाँ, कैसे मैनेज करते हो? पसंद की चीज तकलीफ नहीं देती। तुम्हें क्या चाहिए? वाटर। ओनली वाटर? नैना मेरे लिए एक जूस। ओके।
हाय ये अंकल कौन बॉयफ्रेंड नहीं नहीं डैडी है हाय जेंटलमैन मैं डॉक्टर चौधरी मुन्ना कहीं ये तुम्हारे कॉलेज का वही मुन्ना तो नहीं जिसकी तुम दिन रात तारीफ करती रहती हो इजी बेटा डैडी ये कहना जरूरी था क्या मेरे बारे में नहीं बोलती होगी बिकॉज़ शी ऑलरेडी हैव अ बॉय ऑलरेडी हैज व्हाट आपके लिए एक जाम बनाओ ऑल यू बॉयज एंड गर्ल्स आज वो दिन है जब हम प्यार का जश्न मनाने वाले हैं आज के दिन लोग प्यार का इजहार करते हैं आज हम चुनेंगे एक ऐसे कपल को जो बनेंगे आज के किंग एंड क्वीन लाइट्स ऑफ अब ये लाइट उस कपल पे फोकस करेगी जो डांस फ्लोर पर आग लगा देंगे तो वो लकी कपल कौन है सो बॉयज एंड गर्ल्स एंजॉय एंजॉय योरसेल्व्स हो मैं वाओ सॉरी अंकल नॉट यू कौन है ये हैंडसम ड्यूड Wow! It's none other than Munna! Tell me what you're feeling when you're feeling me sound. Tell me what you're feeling, everybody get down. Round and round and everybody wanna know. People in the club and our people in the show. See me love your style, let me love your smile. Tell me pretty lady, tell me will you be mine? Let me tell you now, let me sing it in me rhyme. Come on everybody, me say one more time. Can we dance with you? Can we wine with you? Can we sing with you one more time? Can we jam with you? Be in love with you? All we wanna do one more time. सलाम भाई सलाम सलाम भाई जब और जहां मौत लिखी हो तभी मौत आती है भला मौत के पंजे से आज तक कौन बच पाया है ना हाँ क्या रे क्यों आया है आपसे मिलने सुना है तू शहर में बिना लाइसेंस के हथियार बेचता है और भी बहुत सारे गैर कानूनी काम है जिनके पीछे तेरा हाथ है तू एक नामी गुंडा है आज मुझसे मिलने क्यों आया है मिलकर काम करने दोनों की ताकत बढ़ जाएगी गुंडे बदमाशों का ही साथ देना होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता पूरे सूबे पर राज कर रहा होता राका इस शहर का यमराज है उससे अकेले कैसे लड़ोगे अरे सिर्फ राका ही नहीं राका जैसे बहुत से और गुंडों से भी पंगा लिया है मैंने और तू भी जिस तरह से आजकल उल्टे सीधे काम कर रहा है ना राका के खात्मे के बाद तेरा ही नंबर लगेगा अगर यही बात किसी और ने कही होती तो मुंह में हाथ डाल के हलक खींच लेता निकल यहां से मेरे घर आकर मुझे ही धमकी देता है गुंडा मवाली कहीं का नहीं लगी लड़के और लड़कियाँ बहुत नजदीक थे मुझे अच्छा नहीं लगा इसीलिए मैं डैडी के साथ वापस चली गई लगता है तुम्हारे डैड को तुम पर यकीन नहीं है ये बताओ तुम कहना क्या चाहते हो यही कि खुद तो तुम एक बॉयफ्रेंड बना के घूम रही हो मतलब क्या है दूसरों पे उंगलियां उठा रही हो बॉयफ्रेंड के बारे में झूठ बोलकर मैंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मारी क्या चल रहा है यहाँ पे ए उसको छोड़ और तू निकल नहीं गया तो अच्छा फिर यहाँ तेरी कब्र बनेगी जो मुझसे टकराता है ना सुबह का सूरज नहीं देखता कल क्लब में मैंने इसका कॉलर पकड़ लिया था इसीलिए ये मुझे मारना चाहता है एक आदमी को मारने के लिए इतनी बड़ी फौज ओ इन भाड़े के टट्टुओं के बिना तुझसे तो एक मच्छर भी नहीं मरता होगा हाँ ठीक है कोई भी बीच में नहीं आएगा तू भी बीच में मत आ ठीक है चलो पीछे हो जाओ आ जा आना अरे आ Thank you.
डर लग रहा है तुझे? तेरी गर्लफ्रेंड को किसी ने जरा सा हाथ लगाया तो तुझे गुस्सा आ गया था, पर आज वो गुस्सा कहां चला गया? इसका मतलब कोई गुंडा अगर तेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ेगा, छुएगा तो तू देखता रहेगा, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुश्मन को हराने के लिए चट्टान जैसी हिम्मत की जरूरत पड़ती है और अंदर की आग को ज्वालामुखी बनाना पड़ता है। ए मुन्ना, गीदड़ों को शेर की कहानी सुनाने से गीदड़ शेर नहीं बन जाया करते, ये गीदड़ की औलाद है। ए, शैडी से टकराना बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए मर्द का जिगरा चाहिए। मुझे मारेगा, मारेगा। अच्छा, तू मारना, मारना, रुक क्यों गया? मार, आजा, मार, और मार, और मार, आजा। देखा बिना चमचों के कैसे तेरी हवा निकल गई? किसी को कमजोर मत समझना वरना फाड़ के रख देगा। ए, ये दुश्मनी तुझे महंगी पड़ेगी, तू जानता नहीं है मैं किसका बेटा हूं। उसी का बेटा है ना तू, जो एक स्मगलर है, कातिल है, रेपिस्ट है, दलाल है, जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेलता है, उसी गंदी नाली की पैदाइश है ना तू। और तेरे बाप का नाम है राका, रा का। अब बोल क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा? हाँ, शाडी, क्या बात है, ये चोट कैसे लगी? कॉलेज में बास्केटबॉल खेलते हुए गिर गया था डैडी। तेरे चेहरे से खून गिरना मतलब मेरे चेहरे पे खून। राका के बेटे पर हाथ उठाया, बता कौन है वो, कौन है? कॉलेज का एक लड़का है, उसने मारा। तो राका का बेटा, उसे पता नहीं था क्या? उसे पता था डैडी। क्या नाम है उसका? खुरदार, देखने में तो ठीक ठाक लगते हो, फिर क्या मत्ती मारी गई थी जो राका के बेटे से पंगा ले लिया तूने? तूने ऐसी गलती की है जिसे राका कभी माफ नहीं करता। तेरी इस गलती के लिए तेरे इतने टुकड़े कर देंगे कि तेरे चाहने वाले गिन नहीं पाएंगे। अब सुन, कल कॉलेज में आकर चुपचाप सबके सामने सैडी से माफी मांग लेना, फिर अगर तुझ पे रहम आ गया तो राका तुझे माफ कर देगा और तुझे नई जिंदगी मिलेगी। क्यों मियां, समझ में आया? मुझे तो समझ में आ गया, तुझे समझ में आया कि नहीं?
इंस्पेक्टर वहाँ बैठा बैठा सीट गरम कर रहा है। उस मुन्ना को ठिकाने लगा। उसे ठिकाने लगाया तो हम ठिकाने लग जाएंगे। क्या बकवास कर रहा है? पूरी की पूरी फौज आई है इसके साथ। मेरी मानो, केस को रफा दफा कर दो, इसी में अकलमंदी है। बाद में फोन करता हूँ। क्यों इंस्पेक्टर, इसे क्यों अरेस्ट कर रखा है? हॉस्टल में झगड़ा कर रहा था जनाब। झगड़ा तो दो गुटों के बीच में हुआ था ना, तो बाकी लोग कहाँ हैं? राका के आदमी है ना वो, पहले उनको पकड़ो फिर इसे अरेस्ट करना। जी जनाब। राका के आदमियों को मारकर तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, कम से कम उसके दिल में दहशत तो बैठ ही गई होगी। तो आप इस मामले को सियासी रंग देना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ये दहशत राका के दिल में बनी रहे। राका के दिल में दहशत जगाने के लिए मैं अकेला काफी हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। वैसे भी राका और मेरे बीच का मैटर पर्सनल मैटर है। मुन्ना, कृष्ण भगवान ने कंस को मारकर उसे पापों की सजा दी और एक अत्याचारी का नाश हुआ, लेकिन एक अकेले कंस के मरने से बाकी अत्याचारी सुधर गए और सृष्टि का कल्याण हुआ। दोबारा सोचना। पहले उसे कॉलेज का ही सपोर्ट था, लेकिन अब उस मुन्ना को श्रीनिवास का भी सपोर्ट मिल गया है। राका, अगर उसे जिंदा छोड़ दिया, क्या लगता है क्या करेगा?
इस तरह छोटे मोटे बच्चों पे ध्यान देंगे तो धंधा कैसे संभलेगा? चल भूल जाओ उसे। उल्टा ये सोच जो हमारे हर एक काम पे अड़ंगा डालता है, उस श्रीनिवास राव का क्या करेंगे? पर ये कैसे बुला रही हो? हीरो, हैंडसम, टार्जन, अलेक्जेंडर, ये मुझ पे जमता नहीं। कुछ नया सोचो, कम ऑन बेबी। खोजू चंद। इसी अदा पे तो हो गया हूँ मैं फिदा। मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड मुझे यही कहकर बुलाती थी। चल फुट। क्या बात है, कॉलेज में तो छा गए हो। कल शैडी को सबक सिखाया और संजय को बचाया, कमाल कर दिया। चारों तरफ बस तुम्हारे ही चर्चे हैं। मुन्ना, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर जब सोचती हूँ तो डर लगता है। तुम्हें नहीं लगता क्या? नहीं लगता। क्या मतलब? डरना किस लिए, मरना तो सबको है। हाँ? मरने के डर से हम उनका सामना करना छोड़ देते हैं, यही उनकी ताकत है। जिस दिन हम उनसे डरना छोड़ देंगे, वो हम पे जुल्म करना छोड़ देंगे। क्या बात है, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। वैसे तुमसे एक दिल की बात कहूँ, तुम मुझे और भी अच्छे लगने लगे हो। पहले से भी ज्यादा हैंडसम, सच में। क्या हैंडसम हो गया है? ये सब अपने बॉयफ्रेंड को मत बोलना, बुरा लगेगा उसे। मुन्ना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोलो। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है। स्टॉप इट, ये मजाक नहीं है। हंस क्या रहा है उल्लू के पट्टे? नैना, इतनी सीरियसली बात कर रही हो तू? हंस रहा है? हाँ सुनो नैना, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते, पछताना पड़ सकता है। क्यों, मैंने गलत क्या किया? कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? हाँ, क्या सोचेंगे? कि तुम सेकंड हैंड हो चुकी हो। क्या कह रहे हो? देखो, माँ बाप की पसंद के लड़के को तुम रिजेक्ट कर दो तो बात समझ में आती है, लेकिन तुम्हारी पसंद के लड़के से रिश्ता टूट जाए तो लोग कहेंगे कि उसने तुम्हें छोड़ दिया। इसलिए मेरी बात मानो और अपने टूटे फूटे रिश्ते को जोड़ के फिर सेट हो जाओ। ओके बाय। मुन्ना, तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं समझ रहे हो? किसी माया का फोन है। हाँ बोल, इतनी रात गए क्यों फोन किया? लगता है अभी भी आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। आपसे दुश्मनी करके मैं कहाँ जाऊंगा? बात यह है कि राका के जिस जहरीली फैक्ट्री पर आप सीबीआई रेड डलवाना चाहते हो, उस फैक्ट्री के खिलाफ सारे सबूत मेरे पास हैं। देखिए, हम दोनों का मकसद एक ही है, राका की जालिम हुकूमत को नेस्तो नाबूद करना। लेकिन आप उस फैक्ट्री को तब तक बंद नहीं करवा सकते जब तक आपके पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना हो। तो मैं चाहता हूं कि इस फाइल के जरिए आप राका की तबाही की तारीख मुकर्रर कीजिए। ठीक है, कहां मिलना है? मुन्ना, श्रीनिवास जी को किसी ने मार डाला। सर, ये गोलियों के कार्ट्रिज मिले हैं, मर्डर में इन्हीं का इस्तेमाल हुआ है। 9mm जर्मन मेड,
इसका मतलब वो कातिल इसी शहर का है जिसने श्रीनिवास जी को मारा है। ये बुलेट्स किसके नाम जारी की गई थी इसका फौरन पता लगाओ। श्रीनिवास जी के कत्ल का इल्जाम आपके ऊपर लगा है, कुछ कहना चाहेंगे? शहर में जब भी कोई हादसा होता है लोग राका का ही नाम क्यों लेते हैं? अरे उनके साथ तो हमारे पारिवारिक संबंध थे, आना जाना था। हाँ हमारे थोड़े मतभेद थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे की जान ले लें। उनकी मौत का हमें बेहद अफसोस है, भले आदमी थे। कातिल राका है। राका और श्रीनिवास जी की दुश्मनी को शहर का बच्चा बच्चा जानता है। मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि इस कत्ल के पीछे राका का हाथ है? शहर में तो उनके और भी दुश्मन है। ये उसकी चाल है, आप नहीं समझ रहे हैं। उस घटिया इंसान ने मौकाए वारदात का फायदा उठाया। श्रीनिवास राव ने बिल्कुल सही कहा था, उसके मरने पर सारी उंगलियां मुझ पर उठेंगी। ये तो अच्छा हुआ कि माया वहां पर मौजूद था। अब लोगों को लगेगा कि शायद ये खून माया नहीं किया है, और ये खबर हर एक अखबार की सुर्खियों में होगी। माया को भी वही मार देना चाहिए था। अगर वो भी वहां मर जाता तो अब तक पुलिस यहां पहुंच चुकी होती। राका। आइए एसीपी साहब। श्रीनिवास जी के कत्ल के इल्जाम में आपके नाम वारंट इशू हुआ है। आपका दिमाग खराब हो गया मेरे नाम का अरेस्ट वारंट? हमारे पास सबूत है सर। मौकाए वारदात पे हमें 3 कार्ट्रिज मिले हैं, उन्हीं गोलियों के जिनसे कत्ल हुआ है। हमें जांच से पता चला है कि वो गोलियां आप ही के नाम थी। किसी ने 4थी गोली सामने लाकर केस को मजबूत कर दिया है। कौन है वो? मुन्ना। छोड़ दो उसे। राका, सुबह तक बेल मिलना मुश्किल है और पुलिस स्टेशन के बाहर मीडिया खड़ी है। सुबह गाड़ी पुलिस स्टेशन के पीछे लगाना। मुझे उससे मिलना है, मुन्ना। देख के मुझे एक चीज अच्छी लगी और एक चीज अच्छी नहीं लगी। जिस नाम से लोगों की रूह कांप जाती है उसे तुम फेंक देते हो दूध में से मक्खी की तरह। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी और वो मक्खी मैं हूं यह पसंद नहीं आया। तू है कौन? एक नाकाम इंसान।
दो बार तुझे मारने की कोशिश की लेकिन तू बच गया, इसलिए नाकाम इंसान। कुछ याद आया? लगा था कि उस आग में जल के तू खाक हो गया, पर अफसोस कि तू जिंदा बच गया। और दूसरी बार उस दिन भी लगा कि तुम मर गया, पर तेरा नसीब कुछ ज्यादा ही अच्छा था। वो एक्सीडेंट भी मैंने ही किया था। फिर क्या हुआ? तू डर गया क्या? डरता तो मैं अपने बाप से भी नहीं। जब तू दो बार बच गया तो मैंने सोचा तुझे ऐसी मौत दूं जिसे देख तेरे फरिश्तों की भी रूह कांप जाए। तुझे मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन तुझे मारने से पहले मैं तुझे सजा देना चाहता था। ए मुन्ना, तेरी सजा तो यहां आने पर ही शुरू हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं तुझे यहां तड़पा तड़पा कर मारूं, बता तेरी प्रॉब्लम क्या है। आज से 18 साल पहले तूने जो गुनाह किया उसे इतनी जल्दी भूल गया? राका उर्फ रत्नाकर, तुझे मेरा असली नाम कैसे पता? मेरा असली नाम भी तूने ही रखा था। कुछ याद आया? अपनी मौत को तूने खुद पैदा किया है। बेटा हूं मैं तेरा। बचपन से लेके आज तक सोचता रहा कि तुझे कैसे मारूं, लेकिन आज तकदीर ने तुझे खुद मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया है। चाहूं तो एक झटके में मार दूं, लेकिन 18 साल से जल रही सीने की आग को 10 सेकंड में नहीं बुझाना चाहता। मेरी जान बख्श देगा यही कहकर भिजवाया था ना तूने इसे? मैं तुझे तेरी जान की भीख देता हूं, जा जी ले। जिंदगी जीना कितना मुश्किल है ये तू अब समझेगा। मेरी सोच के आगे तुझे घुटने टेकने होंगे और तू अपने किए पे पछताएगा। आज से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे ये लगे कि मैं तेरा बेटा हूं। मैं तेरा बेटा नहीं, आज से तेरा दुश्मन हूं, याद रखना। अरे जानता है, अपना मुन्ना है ना, उसने राका के घर में घुस के उसे जान से मारने की धमकी दी। पता है, वो कोई और नहीं, राका का ही बेटा है। सर आओ आओ कमिश्नर, राका का केस कहां तक पहुंचा? सर वो श्रीनिवास जी के मौत से पहले ही राका ने FIR दर्ज करवाई थी। उसने ये लिखवाया था कि उसकी पिस्टल कहीं खो गई है। अच्छा, वो मुन्ना का क्या हुआ? सिर्फ इतना पता चला है कि वो राका की ही औलाद है सर। अच्छा हुआ उस राका को मारने कोई आ गया। इस मामले में हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है सर। मुन्ना ने राका को खत्म कर दिया तो ये मामला ही खत्म हो जाएगा, और अगर राका ने मुन्ना को खत्म कर दिया तो पुलिस अपना काम करेगी। मुन्ना, जिस राका से पूरा शहर कांपता है तुम उसी की मांद में जाकर उसे धमकी दे आए, ये सब क्या है? बचपन से लेकर आज तक तेरे साथ रहे, लेकिन कभी तेरे अतीत के बारे में जान नहीं पाए।
ऐसा लग रहा है मैं तुझसे बहुत दूर हो गया हूँ। क्या तेरा अतीत जानने का हक हमें नहीं है मुन्ना? ऐसी बात नहीं है बिल्लू, सब बताता हूँ। अरे इतने साल शहर रहने के बाद फिर से वापस आया हूँ, सोचो किस लिए? अरे तुम सबको वापस शहर ले जाने के लिए। यहाँ गांव की खेती बाड़ी और घर बार छोड़कर आखिर शहर में जाकर क्या करेंगे? कैसी बातें कर रहे हो, अकाल पड़ा हुआ है, खेत सूखे हुए हैं, यहाँ रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे भाई। शहर में रहेंगे तो कम से कम दो वक्त की रोटी तो मिलेगी, यहाँ रहेंगे तो राम नाम सत्य है। देखो शहर में सुंदर पार्क, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ट्रेन है, मोटर गाड़ियां है, अच्छा खाना है, हॉस्पिटल है, बड़े मजे की जिंदगी है। बस एक छोटी सी दिक्कत है, वहाँ काम करने के लिए बस लड़कियों की ज्यादा डिमांड है, बाकी सब ठीक। कोई जरूरत नहीं है, हम गांव में रहे और बहू बेटे को शहर भेजे, हमारी मर्दानगी अभी तक मरी नहीं है। बात करता है, ए बैठी क्या है, चल यहाँ से। अरे जा, इस घमंड से पेट नहीं भरेगा, इस बंजर जमीन के भरोसे रहोगे तो यहीं पे मर जाओगे। जरा अपनी अकल से काम लो और सोचो क्या करना चाहिए। ये क्या बात हुई, लड़कियां काम नहीं कर सकती? अरे क्यों नहीं कर सकती, अगर काम करेंगी तो दो पैसे घर आएंगे भाई। अपनी फूटी किस्मत में कब तक रोओगे, मेरी बात मानो और इस बात पे अमल करो। अगर कोई शहर जाना चाहे तो उसे क्या करना होगा? ये हुई ना बात गुड़िया, ये देखो ये जो पेपर है ना, इस पे सिर्फ अपना साइन करो और सिर्फ 100 रुपए भर दो, मेरा यकीन करो। चलो चलो उतरो उतरो, स्टेशन आ गया, चलो। दो मुझे। आओ, सुनो, तुम दोनों यहीं पे मेरा इंतजार करो, मैं कुछ काम ढूंढ के आता हूँ, ठीक है? सामान का ख्याल रखना बेटा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नैनीताल चंडीगढ़ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है और 3:35 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना होगी। काम मिल गया। अच्छी बात है, कहाँ पर, क्या काम है? वो बड़े से शहर में मैं अकेला मुन्ने को कैसे पालूंगा, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, साथ दो की ना। ये आप क्या कह रहे हैं, मैं आपके साथ ही हूँ, अपने बेटे के भविष्य के लिए हम दोनों मिलकर काम करेंगे। हाँ, हाँ, चलो चलो, नहीं नहीं मैं लेता हूँ, चलो। मुन्ना तू यही रुक, मैं तेरी मम्मी को उसका नया काम दिखा के आता हूँ, चलो तुम मेरे साथ। नमस्ते सुखा भाई। कौन है ये? मेरी बीवी। भाई जरा देखिए ना, थोड़ा ज्यादा मिल जाता इतना तो। इतना बहुत है, चल भोट। ये सब क्या है? तुझे बेच डाला। मुन्ना, जिस राका ने तेरी जिंदगी तबाह की है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, ये मेरी अपनी जंग है। अब ये कहानी या तो राका की मौत से खत्म होगी या मेरी मौत से। ये मेरी पर्सनल दुश्मनी है, कोई इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें। ए मुन्ना, ये किस पर्सनल दुश्मनी की बात कर रहा है तू? आज तक साथ में जिए और साथ में मरेंगे भी, जो तेरा दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। मुन्ना, ये धर्म युद्ध है जिसे अकेले नहीं लड़ा जाता। उस जालिम राका को बहुत सी जिंदगियां तबाह करते हुए मैंने देखा है। ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हर उस इंसान की है जिसने उसके जुल्म सहे हैं, और तुम उन सब की ताकत हो। बोल मुन्ना। बचपन में जो तेरे साथ बीती है वो कहानी तो तूने सुना दी, पर तू भूल गया उस कहानी में भी बाप मैं ही हूँ। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। तो बता अब आगे क्या करना है? 6 घंटा पुलिस स्टेशन में रहा तू। मुन्ना, इस नाम का डर समझ में आ गया होगा। डर का तो पता नहीं, पर अफसोस, अफसोस कि उस दिन मैंने तुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया, मार देना चाहिए था।
यहां तक आने के लिए बहुतों की बलि चढ़ाई है, तुझे भी चढ़ा देता, शायद यही अच्छा होता। जब पता चल ही गया है वो आपका खून है तो उससे नाराजगी कैसी? बेकार की सलाह नहीं चाहिए। इस घर को एक औरत की दरकार है, इस वजह से तुम यहाँ हो। बस चुपचाप अपना मुंह बंद करके कोने में पड़ी रहो। शिवा, वक्त देखकर उसका काम तमाम करो। आज के बाद अगर किसी ने मुझे मारने का सोचा, उसे 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि राका अपने बेटे को भी नहीं छोड़ता। राका अब घायल शेर बन चुका है, वो पलट कर वार जरूर करेगा। राका मुझसे एक ही चीज छीन सकता है और वो है मेरी अपनी खुद की जान। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं राका के नाम को ही खत्म कर दूंगा। मगर कैसे? राका फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसकी एक ही ताकत है उसकी दौलत, और दौलत उसे मिलती है उसकी फैक्ट्री से। कहने को तो ये दवा की फैक्ट्री है, लेकिन असल में यहाँ बनती हैं नशीली ड्रग्स। इस फैक्ट्री से निकलने वाला पानी जाता है एक नदी में, और इस पानी को पीकर लोगों में खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। लोग अपाहिज हो रहे हैं, और ऐसे बीमार और अपाहिज लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इतनी तकलीफें झेलने के बाद भी वहां का कोई भी आदमी राका के डर की वजह से उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठा पाता। अगर हम उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी फैक्ट्री बंद करने में कामयाब हो गए तो समझो हमने उसकी कमर तोड़ दी। पर कैसे होगी? नाना, मैं तुम्हारे डैड से मिलना चाहता हूं। तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा पूरा सपोर्ट है तुम्हें। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। मुन्ना अपने इलाके में आ गया भाई। भाई वो मुन्ना आ गया ला भाई। सुने? हाँ भाई। जिंदा तो गया पर जिंदा जाने ना पाए। ठीक है भाई, खत्म कर दो। अभी अभी यहां से गुजरा है भाई। माना कि मोबाइल फोन सस्ते हो गए, लेकिन रोड पे सोने वाले के पास भी आ जाए, दाल में कुछ काला लगता है। लाल पानी क्यों निकाला भाई? बस अब यहां से गुजरा, यही तो बताया मैंने। और कौन है तेरे साथ? अबे गंजा डरा क्यों रहा है? अरे गोली चला ना, अगर ये बच गया ना तो तू और मैं कुत्ते की मौत मरेंगे। मार डाल। भाई कहां मर गए हो? अरे आपके सामने तो वो चूजा है, आपने ऐसे कितनों को देखा होगा? नहीं देखा, ऐसा पागल इंसान मैंने नहीं देखा। तो क्या करें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं? ऐसा नहीं होगा, सियासत के लिए उसका मरना बहुत जरूरी है। अगर उसके किसी करीबी को मार दें तो फिर शायद वो डर जाए। जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी मां की मौत देखी हो, उसके किसी भी पास वाले को मारो,
तो वो डरेगा नहीं, भड़क उठेगा। राका, किसी ने हमारी फैक्ट्री के खिलाफ अखबार में खबर छपवाई है, लिखा है आग लगाना चाहते हैं। ए, तुझे ये टाइम मिला क्या? क्यों बे, इसके दिल में आग लगी है और तू फैक्ट्री को आग लगा रहा है। जिसने खबर छापी है उसके हाथ काट डाल। तुमने तो कहा था कि तहलका मच जाएगा, देख लो अखबार में अंडे जितनी खबर छपी है और टीवी पर नीचे पट्टी पर चल रही है। मुझे प्रेस से बात करनी होगी। मैंने आप लोगों को एक खबर देने के लिए बुलाया है, एक दरिंदे के खिलाफ। लिखेंगे? बोलिए सर। राका, साइलेंस। डर गए? डर गए, उसके खिलाफ जो कोई भी कुछ लिखता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। काजिम चाचा, राका के खिलाफ खबर छपने के बाद मेरे साथ जो कुछ हुआ वो पब्लिक जानती है। ये खबर लोगों तक कैसे पहुंची? आप लोगों की कलम की ताकत की वजह से। समाज में जो कुछ गलत हो रहा है वो लोगों तक पहुंचाने का काम आपका है। जब भी राका के खिलाफ किसी एक ने लिखा है वो उसे मार देता है, लेकिन अगर आप सब मिलकर उसके खिलाफ लिखेंगे तो मुन्ना आपका साथ देगा। आप राका के खिलाफ हमें न्यूज दीजिए, उसे हेडलाइन बनाकर हम अपने अखबार में छाप देंगे। चलो चलो यहां से। चाचा, कल दो लोग जो एडमिट होने वाले हैं उनमें से एक मरेगा। अरे वो संजय और बिल्लू हैं। कल दुनिया के लिए बिल्लू मर जाएगा। What's next? ये क्या जनाब, हम आपसे सवाल कर रहे हैं और आप बैठ के पूछ कर रहे हो। उस फैक्ट्री की वजह से गांव वालों की जिंदगी बर्बाद हो गई, आपको शर्म नहीं आती? शर्म कब का बेच खाया? हाँ छाप देता हूँ। अबे ओए, मुझे बर्बाद करेगा क्या? मेरे बाप मेरी बात मान ले, उस कलम को अपनी जेब में डाले। अच्छा मुझे गरीब को जूस पिलाना है, मैं चलता हूँ। कहीं नहीं जाना है, सवाल बाकी है, बैठिए। जो मर गया उसके बारे में कुछ बताइए ना, कौन है वो? कौन था बे? सर बिल्लू। अरे और कौन? बिल्लू था। अब जो मर गया है उसका हर्जाना मिल जाएगा। अब लिखो ना, लिखो। सुना तुमने, मंत्री जी को सब पता है। एक मंत्री होने के नाते आप उस फैक्ट्री पर क्या कार्रवाई करेंगे? मोहतरमा, इस देश में कानून भी है, हमें उसके हिसाब से चलना होगा। आप जाइए, खबर मिल जाएगी। उसके परिवार को कितना हर्जाना मिलेगा? मरने वाले को सरकार की तरफ से यही कोई 5 लाख रुपए और फैक्ट्री की तरफ से 10 लाख रुपए। आपके इस रिएक्शन से राका और आपकी पार्टी के बीच जो रिश्ता है कहीं उस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा? हमारे लिए आवाम से बढ़कर कुछ नहीं। जनाब, अब आपकी सरकार का अगला कदम क्या होगा? हतपो। राका, हमारी फैक्ट्री पर इंक्वायरी कमीशन बैठ गई है, अगर उन लोगों को कुछ गलत मिला तो हमारी फैक्ट्री सील कर देंगे। हेलो मुन्ना, अखबार में अपने कारनामे पढ़ के तुझे खुशी तो बहुत हुई होगी। कभी सांप सीढ़ी का खेल खेला है? ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत से सांप मिलते हैं जिनके काटने से आदमी मुंह के बल गिरता है, और इस खेल में भी तुझे मिलने वाले हर सांप का नाम होगा मुन्ना। तेरी फैक्ट्री के बंद होने से सिर्फ मैं अकेला खुश नहीं हूँ, जरा ये आवाज सुन। ये सब जो भी हो रहा है सबको पता है मुन्ना कर रहा है, वो हमारे लिए खतरा बन चुका है, जैसे भी हो उसे खत्म करना पड़ेगा। जिंदगी जीना कितना मुश्किल है ये तू अब समझेगा। उसे मरना होगा, और इससे पहले कि वो हमारे लिए मौत का सबब बन जाए उसे हम खत्म करेंगे। रंगा, इस शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, मुन्ना मुझे जिंदा चाहिए यहां। राका की तबाही शुरू हो गई, और उसे तबाह करने वाले का नाम है मुन्ना। बुला ले उसे।
अरे यहाँ क्यों लाया यार, पार्क में जगह नहीं थी क्या? अरे जब सारी तितलियाँ यहाँ हैं तो पार्क में जाके कौन से फूल तोड़ने हैं? एक भी कच्ची कली नहीं आती। वहाँ ऊपर से वो वॉचमैन का कुत्ता हर दम मुझे काटने के लिए दौड़ता है, और एक बार उसने मुझे काट लिया ना तो इंजेक्शन ले लेकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए रेस्टोरेंट सबसे सेफ जगह है ना मुन्ना? हाय, कैसे हो तुम लोग? अरे नैना, तुम और यहाँ पर क्या बात है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, दिन में चांद तारे दिख गए। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, तुम सबको देर से क्यों लेकर आए हो? तो ये सब तेरी चाल है? एक्चुअली क्या है, कल रात को फोन आया था लेकिन मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। चलो कल्टी मारो ना। अरे मुन्ना वो चापड़ सर ने बुलाया था, आता हूँ। अरे मुझे याद आया, चंपा चाची से कुछ काम था। बिल्लू, वो कॉर्नर टेबल पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बैठी है। तुम्हारे रहते हुए मैं दूसरी लड़की की तरफ क्यों देखूं? क्योंकि तुम कबाब में हड्डी बन रहे हो। चलो सबको भगा दिया, अब बोलो क्या बात है। मुन्ना, मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा है। मत बढ़ाओ। देखो नाना, तुम अब तक जिस मुन्ना को जानती थी, मैं अब वो मुन्ना नहीं रहा। कल को मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, अच्छा या बुरा कोई गारंटी नहीं। इसलिए राका और मेरी दुश्मनी के बीच तुम ना आओ तो ही अच्छा है। पर मुन्ना, I love you. प्लीज नैना, प्लीज भूल जाओ। तुमने जो कहा दोबारा कहो। मुझे याद नहीं। मुझे याद है, तुम्हारे और राका के बीच मैं ना आऊं तो ही अच्छा होगा, यही कहा था ना। अब देखो, ये राका है, तुम्हारे और राका के बीच मैं नहीं आऊं ऐसा तुम चाहते हो, और अगर हम राका को ही बीच से हटा दें तो तुम मुझे पसंद करोगे। मैंने ऐसा कब कहा? तुमने यही तो कहा था। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मतलब तो यही था ना? नहीं कहा था। नहीं, तुमने यही कहा था। नहीं। मुन्ना, नैना, मुन्ना, मैं जानती हूं तुम भी मुझे चाहते हो। माया, आज तक राका के दिल में सिर्फ माया नाम की दहशत थी, लेकिन जब से तू आया है माया की दहशत थोड़ी कम हो गई। अगर हम मिल जाएं तो राका नाम का कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा, और फिर इस पूरे शहर पर हमारी हुकूमत होगी, दोनों मिलकर राज करेंगे। अब फैसला तेरे हाथ में है। जरूरत मुझे है या तुझे? तुम जैसे लोग बिना मतलब के किसी से भी हाथ नहीं मिलाते। आज मुझसे काम है तो तुमने मुझे बुलवा लिया। राका को मारने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं। राका उतना कमजोर नहीं जितना तू समझता है। राका कितना कमजोर है, कितना ताकतवर है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। बेहतर होगा कि तू अपनी फिक्र कर। मुझसे मिलने तुम इतनी दूर तक आए उसके लिए थैंक्स, और यहां से तुम्हें खाली हाथ भेज रहा हूं, सॉरी। अब वो मुन्ना हमारे हर धंधे में अपनी टांग अड़ा रहा है। राका रंगा, ऐसी अफवाह है कि मेरे ही गैंग में कोई गद्दार है। कौन? और वो गद्दार सब कुछ मुन्ना को बता रहा है, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। कहीं वो गद्दार तू तो नहीं रंगा? मैंने तेरे ही हाथों तेरे भाई को मरवाया, उस बात का मलाल है। सही कहा ना? मेरे जो भी दोस्त हैं मुन्ना उनसे नहीं मिलता, पर जो भी मेरे दुश्मन हैं वो उनसे जरूर मिलता है। शिवा, मुन्ना आएगा,
आते ही उसकी धज्जियां उड़ा दो। मुन्ना, राका को हराने के लिए हमें उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी, उसकी रग रग से वाकिफ होना पड़ेगा। इसमें तुम्हारी एक ही शख्स मदद कर सकता है। कौन? वो है रंगा। कहाँ मिलेगा? राका ने तुझे मारने के लिए हमें भेजा है। टेबल के नीचे गन है, जल्दी निकाल। hey! रुक जाओ। गन्स नीचे करो, गन्स नीचे करो, जल्दी। अक्लमंद है, चल मेरे साथ। हाथ में आया खुला शिकार छोड़ दिया। मुन्ना है वो, मुन्ना। हमारा बंदोबस्त सही था राका, पर पता नहीं अचानक उसके हाथ में बंदूक कहां से आ गई। रंगा कहां है? या! वो अभी तक अपने अतीत से बाहर नहीं आया। बहुत गलत किया रंगा। पहली बार राका की आंखों में दहशत देखी है मैंने मुन्ना। उसने मेरे ही हाथों से मेरे भाई को मरवाया, इसीलिए मैंने। तेरे और राका के बीच में क्या लेना देना है मुझे नहीं सुनना। तू राका को जानता है, मेरे लिए इतना काफी है। सलाम वालेकुम भाई। ये देख जर्मन मेड, एकदम रापचिक माल है। मेड इन इटली, एकदम मस्का। ये देख रवा, ओनली वन पेटी, जो भी चाहिए उठा ले। इन खिलौनों से राका को मारना नामुमकिन है। दोस्ती का हाथ बढ़ा ले, फायदे में रहेगा। जरा एक मिनट ठहरना। देखो भाई, मैंने तुमसे इतनी दोस्ती भी नहीं की है कि मैं बेवजह तुमसे हाथ मिला लूं। राका का हर एक दुश्मन मेरा दोस्त है। भगवान के लिए किसी तरह इस फैक्ट्री को बंद करवा दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मुन्ना, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, फैक्ट्री बंद नहीं होगी। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट देने के बाद भी मिनिस्टर वर्मा ने साइन नहीं किया। राका की ताकतों में सबसे बड़ी ताकत है उसकी सियासी पहुंच, उसे खत्म करना है। वर्मा से अपॉइंटमेंट फिक्स करो। वर्मा राका का आदमी है, वो हमें अपॉइंटमेंट नहीं देगा।
मुन्ना, तुमने अपॉइंटमेंट नहीं दिया तो मैंने कहा ऐसे ही मिल लेता हूँ। चल गाड़ी हाईवे की तरफ ले। बता, फैक्ट्री बंद करने के कागज पर साइन क्यों नहीं किए? बेटा, ऐसे खिलौने बहुत देखे हैं, तुझे लगा मैं डर के साइन कर दूंगा? नहीं करेगा तो शायद ये सीढ़ी देखने के बाद मूड बन जाए। अरे क्या रखा भाई, मैं हूं ना सीबीआई सीआईडी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं सब संभाल लूंगा। इतने साल पुरानी दोस्ती जो है, और सुनो, फैक्ट्री पर जो इंक्वायरी कमीशन बैठने वाली है ना, वो इंक्वायरी कमीशन मैंने ही बनाई है, समझे? रिपोर्ट पर मेरे ही दस्तखत होंगे, इसलिए तुम बैंकॉक जाओ, वहाँ मस्त मसाज कराओ और फैक्ट्री की सारी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो। वैसे राका भाई, हसनपुर में आपकी 200 एकड़ की जमीन है ना, अगर उसमें से 50 एकड़ जमीन मेरे दामाद के नाम कर देते हैं? ओके ओके। क्या सोच रहे? कुर्सी चली गई तो राका के पास जाकर के बाकी की जिंदगी गुजार लेगा? ऐसा नहीं होगा। राका से दोस्ती यानी खतरा ही खतरा। गलती वो करे और भुगते हम लोग। दिल तो करता है उसे रास्ते से हटा दूं। एक दो टके का गुंडा मेरे ऊपर हुकुम चलाता है। अगर इस राका की सुपारी दे दे तो, अरे हाँ, एक काम करते हैं, मुन्ना को ही 2 करोड़ दे देते हैं, वो उसे मार देगा, फिर पूरा शहर हमारा। मेरे बाप, मुझे एक बात बताओगे? पूछ। कैमरा कहाँ छिपाया था? अब जो मर गया है उसका हर्जाना मिल जाएगा। अब लिखो ना, लिखो। है? देखा, मंत्री जी को सब पता है। इस सीढ़ी को मेरा तोहफा समझ ले। ऐसी मेरे पास कई सीढ़ियां हैं, इनमें से एक भी सीढ़ी अगर किसी चैनल के पास पहुंच गई तो समझ ले कि तेरी सरकार तो गई। तेरी सरकार या सरकार का कोई भी नुमाइंदा राका का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब तो साइन करेगा ना वर्मा? हाँ। मुन्ना का फोन होगा। हाँ वही है। 20 सालों से मैंने जितना कुछ कमाया है वो 20 दिनों में खत्म करना चाहता है। मेरे रास्ते में आने वाले हर एक कांटे को मैंने निकाला है अपने हाथों से। अब अपने बेटे को निकालूंगा। लोग अब तुम्हें मसीहा समझने लगे हैं, इसीलिए सब प्यास तुमसे जुड़ी है। जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? चला जा, नहीं तो यही कब्र खोद दूंगा। शुक्रिया। खुश रहो, अब तो दिन दहाड़े छेड़ते हैं मुन्ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ। सुनो, एरिया के सारे दोस्तों से मेरी बात करवाओ। मुन्ना, वो देख। बोलो। मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ और उसी के साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। इसके बावजूद मेरे पापा मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पापा कोई और नहीं, राका है। ये आप लोगों के घर का मामला है और मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता।
हमारे घर का मामला है। तुम्हारे तुम्हारे घर का मामला है ये। राका से मेरा कोई वास्ता नहीं है और ना ही उसके परिवार के किन्हीं लोगों से, और ना ही मैं कोई उम्मीद रखता हूँ कि आगे चलकर मेरा कभी उससे कोई रिश्ता बनेगा। जिंदगी में मेरा एक ही मकसद है, राका की तबाही। मुझे उससे नफरत है। तुम लोग जा सकते हो। मैं तुमसे राका की जिंदगी की भीख मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम खुद उसका सामना करो। जिस तरह उस दरिंदे ने तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद की, वैसे ही वो मेरी बेटी को बर्बाद करना चाहता है जिसके तुम भाई हो। इतने सालों तक हमने हर जुल्म सहा, तिल तिल करके जिंदगी गुजारी, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक न एक दिन कोई तो ऐसा फरिश्ता आएगा जो हमें इस दलदल से बाहर निकालेगा। बस इसी उम्मीद में जी रहे थे। जैसे उसने तुम्हारी माँ को बेचा था, आज उसी तरह से वो तुम्हारी बहन का सौदा किसी करोड़पति से करने जा रहा है। दौलत के आगे उसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। माँ सब सह सकती है, पर आंखों के सामने जब बेटी का सौदा हो तो नहीं सह सकती। आज तुम्हारे सामने राका की बीवी नहीं बल्कि एक माँ आई है। क्या इस माँ की फरियाद नहीं सुनोगे? मैंने तुम्हें पैदा तो नहीं किया, पर माँ तो मैं भी हूं ना। तुम्हें अपना बेटा माना है, इस हक से चली आई। लड़के का नाम क्या है? कहां गए सबके सब? सुना मैंने, मुन्ना को बोल के आई है कि जिससे प्यार करती है उसी से शादी करेगी। क्या नाम है उसका? साहिल। घर कहां है उसका? कहीं उसे खत्म न कर दूं, ये डर है। पता होकर भी आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बताना। मैं नहीं जानती। और किसे पता है? भैया उसे जानते हैं। नहीं नहीं, ये भैया नहीं, मुन्ना भैया। मेरे दुश्मन के साथ मिलकर मेरी मौत की साजिश, चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्रिया मुन्ना, तुम्हारी वजह से श्रुति और मैं मिल पा रहे हैं। हेलो। प्यार में हजारों तकलीफें उठानी पड़ती हैं, उसके बाद ही प्यार का असली मतलब समझ में आता है। आज उसी प्यार की वजह से राका ने मेरे साथ साथ मॉम और डैड को भी किडनैप कर लिया। राका मेरी शादी अपने बेटे शैडी से करवाना चाहता है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी मुन्ना। सुन हीरो, जब मैं बुरे टाइम में रहता था ना, तो उस बुरे टाइम की बुरी पैदाइश है तू। अगर तू इतना सोच सकता है तो सोच मैं कितना सोच सकता हूँ। तूने ऐसा सोचा कि श्रुति की शादी उस लड़के के साथ कराएगा? मैंने क्या सोचा मालूम? मैंने सोचा जिस लड़की से तू प्यार करता है उस लड़की को मैं इस घर की बहू बनाऊंगा। राका, फिक्र मत करो, सारा इंतजाम हो गया। अगर मुन्ना ने यहाँ आने की जुर्रत की तो जिंदा नहीं जाएगा। इस बार शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। नमस्ते राका भाई। क्या बात है वर्मा जी, आप भी इतना लेट आए? दरअसल बात यह है, एक खास आदमी को यहाँ लेकर आना था, इसलिए देर हो गई।
तूने उम्मीद नहीं की होगी कि मैं इस तरह आऊंगा, किस तरह जाऊंगा ये भी नहीं सोच पाएगा। बाहर बाल उगाने का तेल मिल रहा है, वो तुझे खोज रहे, तू यहाँ बैठा है, चल फोट भाग यहाँ से। मुन्ना भाई कुर्सी गरम कीजिए। अच्छा है। उसकी हिम्मत देखी, शैडी कहाँ है? अपने कमरे में, उसे कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक है। तेरे को चेक करना है, हाँ? ये ले, फेफड़ा भी चेक कर, ये ले, गुर्दा, कलेजा तो चेक कर, ये ले। नंगा कर दिया, एक चम्मच के लिए कीड़े पड़ेंगे, इज्जत की धज्जी उड़ा दी। किसी और को भी चेक करना तो आ जाओ। तुम लोगों का ऐसी जगह फुंसी निकले कि ठीक से बैठ भी ना पाओ। अरे भाई, दूल्हे के लिबास में जच रहे हो। नैना शादी के लिए राजी कैसे हो गई? बस उसे मुझसे प्यार हो गया। नहीं भाई नहीं, वो तो अपने मुन्ना से प्यार करती है। वैसे मुन्ना आपको लगता क्या है? मेरा भाई। हो गया ना गंडगोल। जो कोबरा आपको डसने चला था, उसको आपके पापा घर में बुलाकर दूध पिलाएंगे। वैसे नैना भाभी उसकी क्या लगेंगी? भाभी। और वो उनका जेठ लगेगा। नहीं भाई, भाभी का आशिक। सच में जरा सोचो, मुन्ना इतने दिनों बाद क्यों आया? क्योंकि वो आपके पापा की जमीन जायदाद फैक्ट्रीज सब कुछ अपने कब्जे में लेकर आपको चम्मच थमाना चाहता है। आप अपने ही फैक्ट्री में गुलाम बन जाओगे और वो मुन्ना भाभी के साथ रंगरलिया मनाएगा। ना मुन्ना ना पराई नारी। जेठ जी। हाँ बोलो। दर्द हो रहा है। कहाँ? यहाँ। यहाँ? थोड़ा और ऊपर। यहाँ? थोड़ा सा और ऊपर। यहाँ? तो क्या करूं? दवा लगा दो ना। कौन सी? ये वाली। किसी ने देख लिया तो? घर पे कोई नहीं है। सच कह रही हो? सच में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं है? अरे तो फिर आ जा। हैं? जुक जुक, दिमाग पे प्रेशर बढ़ रहा है। सोचते सोचते गाड़ी निकल जाएगी भाई। ध्यान से सुनो, जिस मुन्ना की वजह से आपकी जिंदगी झंड हो गई है, जिस मुन्ना की वजह से आपकी रातों की नींदें हराम हो गई हैं, वही मुन्ना एक दिन भाभी को लेके उड़ जाएगा। मैं शादी का काट बांट के आता हूँ। भाई, अगर इस रास्ते के कांटे को ही हटा दिया जाए एक ढासू सा आइडिया बनाकर, तो आपकी जिंदगी पटरी पे आ जाएगी। वही मुन्ना उसी पटरी पे आपको लिटा देगा। अरे वो नीचे मोतीचूर के लड्डू आए हैं। लड्डू वड्डू नहीं खाता मैं। तो भाई गुलगुले खाओगे क्या? गुलगुले कौन खाता है बे? हाँ ठीक है। ताऊजी ताऊजी, एक मनहूस खबर है। जल्दी बोल। आपका बेटा शादी नहीं करना चाहता। शादी, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है, जल्दी आओ। नैना मुझसे प्यार नहीं करती डैडी, उस मुन्ना से करती है। अगर ये शादी हो गई तो मुझे हमेशा झुक के जीना पड़ेगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा डैडी। बेटा, इसमें शादी की शहनाई बज रही है और इसमें इतनी तन्हाई है, ऐसा क्यों है भाई? तन्हाई है? उस मंडप का दूल्हा जो है ना, वो सुपर है, और इस मंडप का जो दूल्हा है वो सुपर से भी ऊपर है। वो दूल्हा कौन है? जानने की खुजली है? हाँ। खुजली मिटाओ, हीरो यही है। हेलो, गुफ्तगू पूरी हो गई हो तो नीचे आ जाओ,
बेटी को आशीर्वाद भी तो देना है। ताऊजी गुस्सा धो के आशीर्वाद दीजिए। कहा था ना तुझे, किस तरह जाऊंगा नहीं सोच पाएगा। ठहरो मुन्ना, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी। क्यों, क्या हुआ? आज बेजुबान को बोलता हुआ देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। आज तक मैं घुट घुट के जीती रही, सोचा था तुम बदल जाओगे, पर ऐसा हो ना सका। मुन्ना की माँ को तो तुमने छीन लिया, पर मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी वजह से एक बार मैंने अपनी माँ और बहन को खोया था, आज तुम्हारी वजह से उन्हें वापस पा लिया। अभी तो तुमने सिर्फ परिवार वालों को खोया है, आगे देखते जाओ, बहुत कुछ खोगे। अपनी खोई हुई चीजों को कैसे वापस हासिल करना है मुझे अच्छी तरह आता है। तुम नैना की शादी अपने बेटे से करवाना चाहते थे ना? नैना हमेशा से मेरी थी, बेटा। चलो रंगा, निकलते हैं। मैं बाद में आता हूं, मुझे कुछ काम है। ठीक है। मुन्ना निकल गया है, ब्लैक स्कॉर्पियो है, 2255 MG रोड की तरफ जा रहा है, वो बचना नहीं चाहिए। क्या रे बिल्लू, तेरा चेहरा क्यों लटका हुआ? कोई मिली नहीं क्या? तू बोल तो मैं सेट कर दूं। अरे रहने दे मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे भरोसे रहा तो मैं कुवारा ही मर जाऊंगा, बाकी की जिंदगी में क्या करना मैं खुद ही देख लूंगा। Mm-hmm.
ए मुन्ना बिल्लू बिल्लू। अरे अपना भाई अपनी लाइफ सेट कर देगा। जिएंगे साथ में और मरेंगे भी साथ में। बिल्लू। बिल्लू। कल दुनिया के लिए बिल्लू मर जाएगा। बिल्लू। आओ मुन्ना अंदर आओ। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि राका बहुत खतरनाक आदमी है। देखा उसने तुम्हारे दोस्त को मार दिया। मेरी बात सुनो, अब भी वक्त है, उसे खत्म कर दो। तूने ऐसा क्यों किया? तेरी बात। बिल्लू मर गया। बिल्लू मर गया पता है? क्यों किया तूने ऐसा? तेरी मेरी और मुन्ना की मंजिल एक है राका। हम दोनों तो मिल गए, कमी है तो बस मुन्ना की। अगर वो आ जाए तो मुन्ना तेरे साथ हाथ नहीं मिलाएगा। हाँ मुझे पता है, जरा सोच रंगा। राका और मुन्ना की पुरानी रंजिश है। मुन्ना अगर राका को खत्म कर दे तो उस राका की सारी दौलत तेरी हो जाएगी। अब उस मुन्ना को साथ मिलाने के लिए अपने दिमाग को दौड़ा, क्योंकि अगर राका ने मुन्ना को मौत दी तो अगला नंबर तेरा होगा। राका कभी अपने गद्दारों को नहीं छोड़ता, उन्हें मौत की नींद सुला देता है। राका को मारने के बाद मुन्ना हमें भी नहीं छोड़ेगा। तो फिर ठीक है, मुन्ना को ही रास्ते से हटा देते हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल राका को मारने के बाद मुन्ना हमारे लिए गले का फंदा बन जाएगा, और मुन्ना को रास्ते से हटाने के बाद राका को भी मार देंगे। मुन्ना की मौत का इंतजाम कर। तेरे इस गुनाह की सजा अब मैं तुझे क्या दूं? मुझे माफ कर दो मुन्ना, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। अब ये तेरे और भगवान के बीच का मामला है, मेरा काम है तुझे उस तक पहुंचाना। नहीं मुन्ना। क्या बात है मुन्ना? अगर माया ने इसके साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बनाया था तो फिर शिवा ने मुझ पर अटैक क्यों किया? राका उतना कमजोर नहीं जितना तू समझता है। राका का हर एक दुश्मन मेरा दोस्त है। शिट! क्या हुआ? अब समझा, राका ने अपने ही दुश्मन को पाल के रखा है। राका और माया दोनों एक ही हैं। किसी को भी नहीं पता था और पूरी दुनिया को मैंने बताया कि तू मेरा दुश्मन है। मेरा हर एक दुश्मन पैदा होते ही सीधा तेरे पास पहुंच जाता है, या फिर तू उसके पास। रंगा का भाई मेरे पास। श्रीनिवास राव को खत्म कर दो। माया नीचे। ये बात किसी को खबर नहीं थी कि मुन्ना के सामने मैंने तुझे अपना दुश्मन बना के भेजा। अरे तू तो उसका एक बाल भी नहीं बाका कर पाया। अरे मेरी छोड़ो राका, तुम्हारी तरफ जो मौत का बवंडर आ रहा है उसकी सोचो। मुन्ना मामूली इंसान नहीं है, उसने शिवा को मार डाला, रंगा को भी मौत के घाट उतार दिया। रंगा ने सब कुछ उगल दिया होगा, अब वो सीधे पुलिस के पास जाएगा। रंगा ने अगर तेरे बारे में बताया तो वो सीधा तेरे पास आएगा, या फिर मेरे पास,
आने दे उसे, हाँ आने दे, सर धड़ से अलग कर दूंगा और मिलेगी मौत, नहीं बचेगा। मुझसे गलती हो गई मैं, जब तूने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था मुझे मिला लेना चाहिए था। मैंने रंगा पे विश्वास किया पर वो मेरी पीठ में छुरा भोंक कर राखा के साथ मिल गया। मैंने पहले ही कहा था राखा को मारने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। ये बात मुझे आज ही पता चली। और ये सब जो मैं कर रहा हूं वो किसी दौलत या शोहरत के लिए नहीं कर रहा, मैं राका का खात्मा चाहता हूं। उस राका का तुझे भी शिकार करना है और हमें भी शिकार करना है। अगर ऐसा हो गया तो शहर का अगला राका तुम होगे। अगर अगला राका मैं हूं तो अगले 24 घंटे में राका तुम्हारे कदमों में होगा। सारा बंदोबस्त हो चुका है। हाँ सब रेडी है। मुन्ना देख मैं राका को ले आया हूं, कहाँ है तू? तेरी इस बहादुरी के लिए मैं क्या कहूं, तुझे थैंक्स कहूं या सॉरी कहूं? तुम दोनों एक हो ये मैं पहले से जानता हूं। लेकिन मैं तेरा शुक्रिया अदा जरूर करूंगा क्योंकि अगर मैं तुझसे नहीं मिलता तो मुझे राका बनने का इतना अच्छा मौका कभी नहीं मिलता। आज इसे मार के मैं इस शहर का शहंशाह बन जाऊंगा, द डॉन। इस पल का मैंने बेसब्री से इंतजार किया है, अब देर नहीं करूंगा। राका का दी एंड। सॉरी। सब बाहर आओ। मार दो इन दोनों को। वो तेरे आदमी नहीं मेरे आदमी है। माया मैंने तुझ पे भरोसा किया। तुम मुझ पर भरोसा करो उसकी 100 वजह है, लेकिन जो भरोसे के लायक ही नहीं उस पर मैं भरोसा कैसे करूं?
मुन्ना, अरे तू इतना काबिल हो जाएगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तेरी मां हमेशा कहती थी इस लड़के को पढ़ाओ, ये जिंदगी में बहुत ऊपर जाएगा, पर मैंने कभी परवाह ही नहीं की। पर अब तुझे भेजूंगा, इतना ऊपर भेजूंगा कि वापस लौट के कभी नहीं आएगा तू। अब मेरी जीत पक्की। मेड इन इटली, एकदम मस्का। मरने के लिए तैयार हो जाओ। चला गोली। आज तक तू लोगों के विश्वास का गला घोंटता आया, लेकिन आज तूने जिस पर विश्वास किया उसी ने तेरे साथ विश्वासघात किया। यहां तक कि इस खिलौने ने भी तेरा साथ छोड़ दिया। राका, माया, रंगा, शिवा, पत्नी, बेटी, सब ने तेरा साथ छोड़ दिया। तू इस भरी दुनिया में अकेला रह गया है। अकेला, अकेला, अकेला। तू अब तक जिन लोगों के बल पर घमंड करता रहा, उनमें से कोई तुझे बचाने आज नहीं आया। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने के लिए तूने हजारों गुनाह किए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि नीचे गिरा तो क्या होगा। हर कदम तुझे मात देकर मैंने नर्क का एहसास करवाया है तुझे। मैंने कहा था तुझसे, एक दिन मैं तुझसे तेरा सब कुछ छीन लूंगा। आज तो उसी मुकाम पे खड़ा है। तेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं बचा। आखिरकार बला टली। अगले महीने इलेक्शन होने वाला है, उसमें मुन्ना हमारे काम आएगा। उसे लेके हमारे पास आओ, हम मिलेंगे। नहीं आएगा सर। क्यों? मुन्ना दूसरा राका बनने की कोशिश कर रहा है? नहीं सर, राका जैसे लोगों का खात्मा कर रहा है, और अब वही मुन्ना लोगों का फरिश्ता बन चुका है। Keep on.